प्रदूषण कितना होते क्या है और ये कितने प्रकार के हैं बाद में इसमें का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है प्रदूषण कितना होते क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले कुल वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, उनकी कुल संख्या है जो आपस में लगातार इम्पोर्टेंट है जो आपस में लगातार टकरा कर किसमें बदल जाए उत्पाद के अंदर बदल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं अणुसंख्यता कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है कि अणुसंख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस क्या है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक प्रायोगिक मान है, वो एक्सपेरिमेंटली करके हम देखते हैं कि कितने जो अणु हैं वास्तव में अभिक्रिया का वेग जो है वो कितने अणुओं पर निर्भर करता है। लेकिन अणुसंख्यता में ये क्या है, एक प्रायोगिक मान नहीं है, ये सिर्फ आपको जो संतुलित अभिक्रिया दी हुई उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने काउंट करना है। तो ये जो है आपके अणुसंख्यता ये तीन तरह की होती है। पहला हमें इसके अंदर यूनिमोलिकुलर, जिसके अंदर यूनि का मतलब आपका वन होता है, एक से और लिया जाता है यूनिमोलिकुलर, जिसके अंदर केवल एक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं O2 एंड H2 जो है ये डीकम्पोज होकर किसमें चेंज हो रहा है, O2 एंड F2 के अंदर बदल रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो गया आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे बाईमोलिकुलर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाई बाई का मतलब उसको कहते हैं आप दो से कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया है जिसके अंदर दो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे यह वाला हो गया आपका 2HI ये डीकम्पोज होकर किसमें चेंज हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन के अंदर बदल रहा है। फिर आपका होगा टर्मोलिकुलर, टर्क इसको कहते हैं तीन गुण कहते हैं, अभिक्रिया है जिसके अंदर तीन अणु जो है वो इसमें ले अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं 2NO प्लस O2 इज चेंज इनटू 2NO2, इसमें एक ये है ये दो ये है, तो टोटल आप कितने हो गए इसके अंदर तीन हो गए। तो ये तो हमारे किसके बारे में है अणुसंख्यता के बारे में है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अणुसंख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है, तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे कि अणुसंख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लेते हैं इसके अंदर अभिक्रिया की कोटी, अभिक्रिया की कोटी, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं क्या अणुसंख्यता ले लेते हैं, अणुसंख्यता लेते हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है कि दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहले तो अंतर आपने क्या ध्यान रखना है, इस दोनों की परिभाषा जो है उसकी डेफिनेशन है दोनों में लिख देंगे आप, इसकी भी परिभाषा लिख देंगे और इसकी भी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। तो पहले की जो भी डेफिनेशन हम कर चुके हैं उसको आप लिख दीजिए। दूसरा जो मेन अंतर है, अभिक्रिया की कोटि जो है यह शून्य हो सकती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया जिसमें अमोनिया का प्लेटिनम के ऊपर डीकम्पोजिशन था, लेकिन अणुसंख्यता जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती, यह कभी भी शून्य नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ये कभी भी शून्य नहीं होती क्योंकि ये संतुलित समीकरण पर निर्भर करती है। और तीसरा आपको इसमें याद रखना है जो आपका इसमें यह फ्रैक्शन में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान 1.5, 2.5, 3.5 हो सकता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ H2 plus Br2 में चेंज इनटू 2HBr, तो अगर हम इसका अभिक्रिया का वेग लिखें, अभिक्रिया का वेग अगर आप लिखेंगे तो समानुपाती होता है H2 एंड Br2 के हाफ पावर के समानुपाती होता है। तो अगर इसके अभिक्रिया की कोटि अगर हमने देखें, अभिक्रिया की कोटि, कोटि क्या हो गया, इसमें पावर को जोड़ना है, जिसकी पावर एक है उसकी पावर हाफ है, मतलब प्लस हाफ, तो आपको कितना होता है इसके अंदर 1.5 आ जाता है। लेकिन ये जो है ये जो आपका कौन सा अणुसंख्यता यह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, यह हमेशा होल नंबर में होती है, नंबर में होती है, तो यह हमेशा क्या होगी होल नंबर के अंदर होगी। तीसरा हो गया ये जो आपका चौथा है, चौथा किसका होता है, यह एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, यह एक प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंट
करके हम देखते हैं कि वो वास्तव में जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रिया कारकों के कितने मोल पर निर्भर करता है, और यह जो है आपका यह संतुलित समीकरण, यह संतुलित समीकरण पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। तो जो भी आपका संतुलित समीकरण है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर वास्तव में कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं और संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो आपका मुख्य है मैन मैन जो अंतर है डिफरेंस है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता द्वारा बता लेते हैं। तो पहले तो आपने उसके अंदर डेफिनेशन देनी है, अभिक्रिया की कोटि के लिए देनी है और अनुसंख्यता की परिभाषा को लिख देना है। उसके बाद यह शून्य हो सकती है, जीरो ऑर्डर हो सकती है या कभी भी शून्य नहीं होती, यह फ्रैक्शन में हो सकती है, यह हमेशा पोल नंबर में होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये चौथा आपका यह प्राइमरी मार्क है और यह किसके निर्भर करती है, एक संतुलित समीकरण पर निर्भर करती है। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य अंतर, जो लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया था अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में ज्ञात क्या अंतर है। तो मैंने आपको ध्यान रखना है, पहले डेफिनेशन देनी है, फिर अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, अनुसंख्यता कभी शून्य नहीं होती, अभिक्रिया की कोटि फ्रैक्शन में हो सकती है, अनुसंख्यता कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, अभिक्रिया की कोटि एक प्राइमरी मान है और वो किस पर निर्भर करता है, संतुलित समीकरण पर निर्भर करता है। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो अनुसंख्यता होती है, अनुसंख्यता का अधिकतम जो मान है, अधिकतम मान जो होता है वो तीन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल हो सके एक समय के अंदर जो तीन मॉलिक्यूल है वो ही आपस में सही दिशा में टकरा कर उसमें बदल सकते हैं, उत्पाद में बदल सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता, ऐसी कोई अभिक्रिया दी हो जिसकी अनुसंख्यता तीन से ज्यादा हो, यानी कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया आपको दे दी जिसमें संतुलित समीकरण में तीन से ज्यादा क्रिया कारक या रिएक्टेंट भाग ले रहे हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संकुल अभिक्रिया कहते हैं। तो संकुल अभिक्रिया इसको कहेंगे, वो अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों की संख्या तीन से ज्यादा होती है। तो संकुल अभिक्रिया किसको कहेंगे, कि वो अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों की संख्या क्या हो, तीन से ज्यादा हो, तो उन अभिक्रियाओं को आप क्या कहते हो, संकुल अभिक्रियाएं कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अधिकतम आपने जो अनुसंख्यता है या मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होती है, तीन हो सकती है। अगर क्रियाकारकों की संख्या तीन से ज्यादा है तो उन अभिक्रियाओं को आप क्या पाओगे, संकुल अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा क्या होती है, अनेक पदों में होती है। संकुल जो अभिक्रिया है अनेक पदों में, अनेक स्टेप्स में होती है, पदों में होती है, ठीक है। ये क्या होगी, अलग अलग पदों में होगी, और जो प्रत्येक पद जो होता है, प्रत्येक पद को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, एलिमेंट्री अभिक्रिया कहते हैं, एलिमेंट्री अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है मॉलिक्यूलरिटी अधिकतम कितनी हो सकती है, तीन हो सकती है, तीन से ज्यादा है तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, संकुल अभिक्रिया कहेंगे। और ये जो संकुल अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, अनेक पदों में होती है, अनेक स्टेप्स में होती है, और प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपके जो अनेक जो स्टेप्स हैं उसमें एक पद जो होगा, जो आपका वन स्टेप होगा, एक जो पद होता है वो हमेशा क्या होता है, स्लो होता है, धीमा पद होता है। एक पद क्या होगा, धीमा होगा, और अन्य जितने भी पद होंगे, अन्य सभी जो आपके पद हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, प्योर होते हैं। अन्य सारे पद क्या होंगे, इसके अंदर फास्ट होंगे, और क्या होंगे, वो प्योर होंगे। सिर्फ एक ही पद क्या होगा इसके अंदर, धीमा पद होगा, और जो अभिक्रिया का वेग जो है वो यही पद निर्धारित करता है। जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग एवं अभिक्रिया की कोटि जो है वो यही कौन निर्धारित करता है, ये धीमा पद जो है यही निर्धारित करता है। धीमा पद होगा, एक पद भी होगा वो
देखना है, महिमा वाला भाग देखना है कि धीमे पद के अंदर कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, उस अभिक्रिया की अनुसंख्यता हो जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहे हैं, उससे हम इसको क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक हमारी रिएक्शन है टू एन टू ओ फाइव, ठीक है। एन टू ओ फाइव जो है ये आपका डिकम्पोज हो रहा है फोर मोल एन ओ टू के अंदर एंड ओ टू के अंदर। अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं, दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अभिक्रिया की कोटि है, इसकी अभिक्रिया की कोटि कोटि क्या आती है इसके अंदर, एक आती है। अभिक्रिया की कोटि कितनी आती है, एक आती है। इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग जो समानुपाती है किसके, एन टू ओ फाइव के। लेकिन हालांकि यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ एक पद पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि आपकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो इसकी जो क्रिया विधि है, ये अभिक्रिया कैसे होती है, वो हम इसको क्रिया विधि द्वारा समझा सकते हैं, मैकेनिज्म द्वारा समझा सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो आपका N2O5 जो है आपका, इसका एक मोल जो है वो भाग लेता है, और ये जो पद होता है क्या होता है, मंद होता है, ये पहले की शुरू लगता है N2O3 के अंदर और O2 के अंदर बदल जाता है, ठीक है। फिर जो आपका N2O3 जो है, ठीक है, वो आपका NO एवं NO2 के अंदर बदल जाता है। ये जो पद होता है वो क्या होता है, फास्ट पद होता है, और उसके बाद में वापिस से जो आपका, क्योंकि यहाँ पे दो मोल है, एक मोल हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, अब दूसरा जो N2O5 जो है वो आपका वापिस से क्या है, इसके अंदर NO से मिलकर इसका फॉर्मेशन कर देता है, NO2 का फॉर्मेशन कर देता है। कितने मोल बन जाएगा इसके अंदर, थ्री मोल जो है आपके NO2 के बन जाएंगे, और ये पद भी क्या होता है आपका, फास्ट होता है। अगर इन सभी पदों को हम जोड़ दें, जोड़ेंगे तो हमारी यही समीकरण आ जाएगी, टू एन टू ओ फाइव विल चेंज इन टू फोर मोल ऑफ NO2 प्लस O2 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भी अभिक्रिया का वेग बताइए, ये स्टेप दिए हुए हैं, और पूछे कि अभिक्रिया का वेग होगा, मैंने आपको बताया जो अभिक्रिया का वेग जो होता है वही होता है जो जो मंद होता है या स्लो स्टेप होता है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है, समानुपाती है किसकी सांद्रता के, N2O5 की सांद्रता के समानुपाती होता है। और इसकी जो अनुसंख्यता है वो कितनी होगी, क्योंकि आप दो मोल भाग ले रहे हैं तो अनुसंख्यता कितनी है इसकी, दो होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को आप क्या करते हो, संकुल अभिक्रिया करते हो। थोड़ा दोबारा से बता रहा हूँ, अनुसंख्यता अधिकतम तीन हो सकती है, अगर तीन से ज्यादा है तो उन अभिक्रियाओं को आप क्या करते हो, संकुल अभिक्रिया करते हैं। संकुल अभिक्रिया जो होती है हमेशा क्या होती है, स्टेप्स में होती है। इन स्टेप्स को क्या करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन करते हैं, और जो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें क्या होगा, एक स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और बाकी सारे स्टेप्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो जो अभिक्रिया का ओवरऑल जो रिएक्शन है, वेग होता है, वो मंद पद से ही आपने क्या करना है, उसको लेना है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, अनुसंख्यता। अब क्या होता है कि अगर पूछ लेते हैं कि आपका क्रिया विधि किसको कहते हैं, तो क्रिया विधि है क्या, अगर आपसे आगे एग्जाम में कि क्रिया विधि को, अभिक्रिया की क्रिया विधि को परिभाषित कीजिए, तो क्रिया विधि है क्या, विभिन्न पद है किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ये देखो तीन पद हो गए हमारे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये हमारा तीसरा पद, ठीक है। और फिर ये हमारी पूरी जानकारी दी गई, तो है क्या क्रिया विधि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न पद जो उस अभिक्रिया की जानकारी देते हैं, क्या कहलाती है, क्रिया विधि कहलाती है। क्रिया विधि को अगर हमने परिभाषित करना है तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि अभिक्रिया की क्रिया विधि या मैकेनिज्म को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया की क्रिया विधि अगर आता है कि एक नंबर में क्वेश्चन आता है, उसको परिभाषित कीजिए, तो हम क्या देख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न पद जो उस अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी देते हैं या उसके बारे में बताते हैं, पूर्ण जानकारी देते हैं अभिक्रिया।
क्रिया के मैकेनिज्म जाना, अभिक्रिया की क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्रियाविधि कहलाती है। तो हम उसको क्रियाविधि को परिभाषित कर सकते हैं। तो जो विभिन्न पद है जो अभिक्रिया के बारे में बताते हैं उसको आप क्या कहते हो, मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसके अंदर अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। अब हमारे पास है समाकलित वेग समीकरण और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इस पे जो है न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, चैप्टर में जो है वो न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। तो अब उसके बाद है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण तो हमारे सिलेबस के अंदर जो है शून्य कोटि की है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दो कई है। तो हम करेंगे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया इस मामले में वेग समीकरण का मान लेते हैं। ए जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद के अंदर बदल रहा है। मान लिया कि अगर टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पे इसके क्या हमने ले लिए, कितने ले लिए, ए मोल प्रति लीटर ले लिया। जब टाइम जीरो है तो इसका मतलब कोई उत्पाद बना ले तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टी इक्वल टू कोई भी टाइम ले लीजिए, ये आपका टी इक्वल टू टी टाइम लिया मैंने, जब एक सेकंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक आप आवर्स हो सकता है, वन ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसके ए के एक्स मोल जो है वो डिसोसिएट हो गए, जब एक्स मोल वियोजित हो गए तो यहाँ पर कितने बचे, ए माइनस एक्स बचे, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर बचा। अब बने कितने, कितने वियोजित हुए, वियोजित कितने हुए, एक्स हुए, तो यहाँ बने कितने, एक्स मोल पर लीटर। तो अब हमें क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और डी टी क्या है आपका समय में परिवर्तन। तो इज इक्वल टू समानुपाती क्या होगा, क्रिया कारक। गुरुवर्ग और भागे के अनुसार क्या करता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारक की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसकी सांद्रता कितनी है, ए माइनस एक्स है, ठीक है। तो उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती के अनुसार हटा दीजिए, क्या बनेगा, ए ए माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो ए माइनस एक्स है उसको इधर ले जाइए और डी टी को क्या करना है, उस साइड में ले जाना है। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। ये जो समीकरण है इसको क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अवकलित वेग समीकरण। और इसके बाद इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इसका हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। तो समाकलन कर देगा, समाकलन करने पर समाकलन का निशान लगा दीजिए, समाकलन का निशान डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। समाकलन क्योंकि जो कॉन्स्टेंट होता है समाकलन नहीं होता, इसलिए उसको पहले ही बाहर लिख देते हैं, के आपका क्या है, स्थिरांक है, कॉन्स्टेंट है, इसका समाकलन होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले ही बाहर लिख दिया, ठीक है। तब उसके बाद हमारा ये आपको याद रख लीजिए, इसका जो समाकलन होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स होता है। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का जो समाकलन है वो क्या होता है, माइनस एल एन एल एन, ये आपका नेचुरल लॉग है, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के का के लिखा, डी टी का समाकलन होता है टी। बट उसके साथ एक समाकलन, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन करते हैं उसके साथ एक कॉन्स्टेंट आता है, मान लेते हैं ये समाकलन स्थिरांक क्या है आपका टी है, तो सी है, सॉरी सी है, सी है क्या यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए माना हम ये मान लेते हैं, माना अगर टी बराबर जीरो है, यानी कि समय जीरो है, तो एक्स क्या होगा, देखो क्योंकि हमने जो यहाँ पे शुरू में किया था, ए चेंज इंटू जो आपका उत्पाद है, तो टी इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पे इसका क्या लिया था, ए मोल प्रति लीटर लिया था, ये कितना था जीरो, यानी कि जब आपका समय जीरो है तो एक्स क्या है, टी समय पर क्रिया कारक कितना वियोजित हुआ, तो यहाँ पे एक्स आपका क्या होगा, जब समय जीरो है तो कोई वियोजन हुआ ही नहीं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये मान इस समीकरण में रखा, माइनस एल एन ए माइनस जीरो, एक्स की जगह जीरो रखा,
इज इक्वल टू के इनटू टी, टी के लिए जीरो प्लस सी, तो यहां से सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस एल एन ए आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक नंबर समीकरण कर दीजिए, इसको दो नंबर समीकरण कर देते हैं। तो आप सी का मान इस समीकरण में रख दीजिए, तो रख दीजिए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए रख दिया हमने, क्योंकि ये दो वाला है, ये भी एल एन वाला दो वाला है, तो इसको साइड में ले जाइए, ये माइनस का है, इधर आपका क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब हमारा इक्वेशन आने वाली है, ये आपका क्या है लोग, एक आपका लोग में एक फार्मूला होता है जिसके अंदर जैसे लोग ए माइनस जो आपका है बी जो है लोग ए माइनस लोग एल एन बी, इसको आप क्या लिख सकते हो एल एन ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे एल एन ए क्योंकि आपका माइनस में है तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और के इज इक्वल टू, तो हमें क्या निकालना है के का मान निकालना है, तो के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर देखिए अब उसके बाद हमारा हो जाएगा यहां से हमें निकालना है के का मान, तो के इज इक्वल टू ये टी इधर चला जाएगा वन अपॉन टी हो जाएगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, चूंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो लॉग बेस 10 पर होती है। ठीक है, ये किस पे है नेचुरल लॉग पे, तो इसको लॉग 10 में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से गुणा कर देते हैं और ये लॉग बेस 10 हो जाता है ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही क्या है हमारे समाकलित वेग समीकरण है, क्या है आपकी समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, तो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k 2.303 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारी समाकलित वेग समीकरण है। इसको कई बुक्स इस तरह से भी लिखती है कि मान लेते हैं a इक्वल टू क्या है a नोट के बराबर है a माइनस एक्स इक्वल टू, कई बार बुक वाले ये भी लिख देते हैं a लिख देते हैं, तो ये वही सेम है k इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये टी समय के बाद जो आपकी क्रिया कार्य की कितनी सांद्रता है, तो उसके आधार पर हम ये समीकरण भी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ क्या है गुण है करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स और इसके गुण हम अभी करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के गुण जो आपके कौन कौन से गुण है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, तो वही सबसे पहला होता है इसका मात्रक। मात्रक जैसे कि हम कर चुके हैं उस फार्मूले द्वारा निकाला था, क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा और आपको पता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ठीक है समाकलित वेग समीकरण क्या है, तो भी हम क्या है इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो जैसे ये तो कॉन्स्टेंट है तो छोड़ दीजिए, ये टी इक्वल टू क्या आपका समय है, लॉग बेस 10 का 10 लिखा, ए क्या है सांद्रता है और ए माइनस एक्स भी क्या है यहाँ पर सांद्रता है, तो सांद्रता कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन समय होगा, या क्या हो सकता है जैसे सेकंड लिखा या क्या हो गया सेकंड इनवर्स। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर ग्राफ या आलेख जिसको आप कहते हैं, तो देखिए इसके अंदर वही दोबारा से हम समीकरण लिखेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओ टी को इधर ले लेंगे। ठीक है, और 2.303 को इस साइड में ले जाओ, तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये एक समीकरण है जिसके इक्वल y इज इक्वल टू एम एक्स प्रकार की समीकरण है, कौन सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्रकार की समीकरण है और y y की जगह पे आपका ये आ जाएगा और x क्या है t है। अगर आपने इसमें ग्राफ खींचे किस किसके बीच में, इसके बीच में जी इसके बीच में लोग बस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच में, तो एक सीधी रेखा आती है और कहां से जीरो से आती है और इसका जो ढाल होगा
ढाल क्या होता है जो उसके साथ है, टी के साथ क्या है के अपॉन 2.303, तो ढाल क्या हो जाएगा के अपॉन 2.303 जो है इसका ढाल आ जाएगा। तो एक सीधी लाइन आती है अगर आप इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं टी के बीच में और ए माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या आती है एक स्ट्रेट लाइन आती है। एक और ग्राफ है इसके अंदर दो ग्राफ दिए हुए हैं, तो दूसरा ग्राफ हम करते हैं। जब हमने जो इंटीग्रेशन कर रहे थे तब एक इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन माइनस ln a माइनस x इक्वल टू kt माइनस ln t, एक समीकरण आई थी ठीक है। इसी से हम अपना नया ग्राफ खींचेंगे, तो इसमें ये कर दीजिए साइन चेंज कर देना, चिन्ह बदल दीजिए। बदलेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ln a माइनस x इक्वल टू माइनस kt और ये क्या हो जाएगा प्लस ln t ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है इसके अंदर ये जो समीकरण है वो किस तरह की है, वो इस तरह की है। इसको हम क्या मान लें y मान लेते हैं, इसको क्या माने हम y मान लेते हैं, ये आपका y और इक्वल टू ये हो गया माइनस mx और ये आपका क्या कीजिए प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता कांस्टेंट होती है, तो उसमें हमने क्या मान सकते हैं इसको c मान सकते हैं ठीक है। तो कैसी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, तो यदि हम ग्राफ खींचे किस किस के बीच में y और x के बीच में, y और x y की जगह पे यहां पे क्या है ln a माइनस x है ठीक है, और x की जगह पे क्या है आपका t है और c आपका कांस्टेंट है, ये आपका नेगेटिव आपका ग्राफ ऐसा आएगा नेगेटिव ढाल, लेकिन यहां से नहीं चलेगा वो थोड़ा सा नीचे से चलता है और नेगेटिव स्लोप के साथ ये आपका ग्राफ आता है ठीक है। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा माइनस से e के बराबर हो जाएगा ठीक है। बनता है अपन इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट या अंतःखंड बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं अंतःखंड, और वो किसके बराबर हो जाएगा ln a के बराबर। मैं थोड़ा सा इसके आपको आज जो है थोड़ा ग्राफ के बारे में बताता हूँ, चार टाइप के ग्राफ होते हैं, पहला होता है y इक्वल टू mx टाइप का ठीक है, दूसरा होता है y इक्वल टू माइनस mx टाइप का, और तीसरा होता है माइनस तीसरा आपका हो गया इसके अंदर mx प्लस c टाइप का, और चौथा हो गया y इक्वल टू माइनस mx प्लस c टाइप। ये चार टाइप के ग्राफ है जो जिनके पास मैथ है उनको आता है उनको पता है, जिनको जिनके पास बायो है उनके लिए ज्यादातर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो पहला इक्वल टू y इक्वल टू mx, आप y और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा कहां से आएगा ये जीरो से, यहाँ पे यहाँ पर जीरो है ओरिजिन से इस टाइप का ग्राफ बनेगा ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर आपने खींचे ठीक है इसके बीच में y और x के बीच में, तो चूंकि ये नेगेटिव है तो ढाल क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम से नीचे की ओर आएगा, ये आपका 100% है 100% से नीचे की तरफ आएगा। तीसरा ग्राफ जो आपका हो गया कौन सा, ये वाला जो ग्राफ है y और इसके बीच में x के बीच में, तो यहाँ पे c है, c आपका क्या है इंटरसेप्ट है जिसका कुछ ना कुछ मान होता है, तो आई तो सीधे रेखा लेकिन यहाँ जीरो से ना आके यहाँ थोड़ी ऊपर से आएगी, और ये जो मान होता है वो किसके बराबर होगा आपका इसके बराबर c के बराबर होता है। और लास्ट हमारा जो ग्राफ हो गया किसके लिए हो गया, इसके बारे में जो हम अभी करके आए हैं y इज इक्वल टू x, तो नेगेटिव ढाल तो आएगा लेकिन जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू नहीं होगा 100% से, क्योंकि c का भी क्या होता है कुछ ना कुछ मान होता है, तो थोड़ा सा नीचे से आएगा और नेगेटिव ढाल के साथ ये ग्राफ आएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं चार तरह के ग्राफ है जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं ठीक है। तो ये आपको थोड़े से आपने इसमें ध्यान रखना है, बाकी हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर करेंगे उसमें हम कंटिन्यू करेंगे।